सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। ऑल इंडिया नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन की 3 वर्षीय प्रथम बैठक का आयोजन 21 मई को घिटौरनी कार्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में रमेश विधुड़ी सांसद, नागेंद्र पाल सिंह कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, मानस कविराज मुख्य महाप्रबंधक, बलदेव जी डायरेक्टर फाइनेंस आदि अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में NBCC के पूरे भारत के एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्य शामिल होने दिल्ली पहुंचे। इस कार्यक्रम में सोमदेव कार्यकारी उपाध्यक्ष ऑल इंडिया NBCC एम्प्लॉयज यूनियन, राज बोहर वर्मा महासचिव, NS गुप्ता उपाध्यक्ष, जगदीश चंद्र पांडे उपाध्यक्ष की मुख्य भूमिका थी। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। श्री सोमदेव जी से अनुरोध है, स्वागत करें। जगदीश पांडे जी, आर के सिंह जी से अनुरोध है। ज्ञान बहादुर थापा, एम बिल्सन जी, RP यादव जी, राम समु सिंह जी, आरके होस्ट जी ने डिसाइड किया है कि क्यों ना हम अपने कार्यक्रम के साथ साथ इस आज के दिन को मजदूर दिवस के रूप में ही मनाएं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे अति सम्माननीय सांसद मानवर रमेश विधुड़ी साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय नेता और कर्मचारी मजदूरों के बहुत ही हितैषी और वरिष्ठ नेता है, यूनियन ने डिसाइड किया इस अवसर पर क्यों ना हम उन्हें अपना मुख्य अतिथि बनाएं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भारत का प्रतिनिधित्व होना था। ट्रेड यूनियन के नाते उससे पहले भारत में यूनियन नहीं थी। 1920 में सरकार के तंत्र के अनुसार ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ, जिसे हम ATAC कहते हैं। 1947 तक, देश की आजादी तक, वही संगठन इस देश में काम कर रहा था। भारत का प्रतिनिधित्व निभाने के लिए ट्रेड यूनियन संगठन की जरूरत थी, वह उसके लिए तैयार किया गया था। देश आजाद होने के बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम ATAC कहते हैं, उसकी सोच भारत से नहीं मिल रही थी। समेटना सर मुश्किल है, पर मैं वहां से शुरू करूंगा कि यहाँ आप और अधिकारीगण जिनका सहयोग है उनको भूल गया, ये 62 से 67 के बीच में ये जो जगह है जहाँ बैठे थे ये स्थापित हुई थी। हमारा गांव नजदीक है और नजदीक है 2-4 गांव। हमारे मजदूर भाइयों और सभी मजदूर संगठन के सभी सदस्य, सभी कार्यकारी अध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी जो भी आए हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस मंच में 2 मिनट के बोलने के लिए मौका दिया गया है। NBCC प्रबंध है वर्तमान में जी सोचा कंपनी की यूनियन के सम्मेलन में आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे याद किया। नेता के रूप में काम कर रहे भाई नरेंद्र जी, मुख्य प्रबंधक के रूप में काम कर रहे आदरणीय मानस सिंह, आदरणीय हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में काम करने वाले शर्मा जी, बहन सके जी, सम्मान के योग्य हमारे मंच का संचालन कर रहे और महामंत्री को भी बात को निभा रहे जी, और ऑफिसर्स की तरफ से यूनियन का काम संभाल रहे देवजी जी, और अध्यक्ष हमारे भाई साहब सोमदेव जी, सम्मान के योग्य सभी प्रमुख रूप से भी और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी
सभी को मैं संबोधन करते हुए केवल एक बात कहूंगा कि जो नरेंद्र जी ने जैसे कहा है कि यूनियन का मतलब बन गया था न्यूसेंस करना, यूनियन की डेफिनेशन परिभाषा लोग मानने लगे थे कि भाई किसी भी संस्था में किसी भी कहीं भी काम करने वाली किसी कंपनी में एजेंसी में न्यूसेंस करने के लिए गुट तैयार हो गया है। ऐसी मानसिकता मैनेजमेंट के ज्यादातर लोगों ने बनाने का प्रयास किया और बनाने की कोशिश भी की, लेकिन अनेकों प्रकार के ऐसे मजदूर संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। उन्हीं में भारतीय मजदूर संघ भी है जिन्होंने कहा है कि हम राष्ट्र के हित में और मजदूरों के हित में मिलकर काम करते हैं, और जब मजदूरों का हित होता है और राष्ट्र का हित होता है तो उसमें कहीं ना कहीं मजदूरों के हित को थोड़ी बहुत लगता हुआ तिलांजलि चली जाए, क्योंकि राष्ट्रीय अगर हमारा विकास विकसित होगा तो हम सब लोग मजबूत रहेंगे। ये जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं वो संस्था भली प्रकार से काम करेगी तो राष्ट्र का उत्थान होगा और संस्था फलेगी फूलेगी तो निश्चित रूप से हम भी फलेंगे फूलेंगे। अब हमारे दिल्ली में काम करती है निगम है एमसीडी कर्मचारी को सैलरी नहीं मिलती। सैलरी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सैलरी ना मिलने का कारण कोई और नहीं है, सैलरी ना मिलने का कारण निगम ही है। ये बड़ा कड़वा सत्य है, कोई और दूसरा तीसरा आदमी नहीं है कि सरकारी नौकरी मिल गई तो काम करने की जरूरत क्या है? अब तो सरकारी ना मार बन गए तो क्यों निकाल तो सकते ही नहीं है। कोर्ट में जाएंगे, केट में जाएंगे, अपील में जाएंगे, 10 जगह जाएंगे। तो ये जो मानसिकता है कि यूनियन बन गई तो काम करने की जरूरत नहीं है, उस मानसिकता के कारण से शायद हमारी एकता को ठेस पहुंचती है जहां ईमानदारी के साथ में भी काम करना चाहते हैं। इसमें आपने जो आप बता रहे हैं इस 3 वर्षों में आपकी क्या मेन उपलब्धियां रही? हमारी उपलब्धियां 3 वर्ष में जो यूनियन की रही उसके अंदर जो मैनेजमेंट के माध्यम से और हमारे माध्यम से हम जो है 3 महीने की मीटिंग में हमारा जो एजेंडा रखा जाता है कर्मचारियों की सुविधाएं के लिए जो उनकी परेशानियां होती हैं हमने उनको 99% मैनेजमेंट से मीटिंग करके उनका समाधान किया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम जो 3rd PRC जो पे रिवीजन का जो सबसे कठिन काम था उनको हमने 4 मीटिंग के अंदर मैनेजमेंट के साथ में बैठ के बार्गेनिंग करके उनके साथ में वार्तालाप करके जो आज तक कभी भी पे रिवीजन 2nd PRC के अंदर कभी भी कहीं पर भी नहीं हुआ जो हमने हमारे कर्मचारियों के लिए जो इसको दिलवाया है। हमने जो है इसके अंदर बहुत सारी उपलब्धियां की हैं, जैसे 35% उनको पर्क मिला है और 15% फिटमेंट मिला है और अन्य जो सुविधाएं हैं उनकी पेंशन स्कीम के अंदर बढ़ोतरी हुई है और हाउसिंग सब्सिडी के अंदर बढ़ोतरी हुई है। आपका जो एरियर्स हैं एरियर्स एक मुश्त मिला है, सभी कर्मचारियों को भी जो है एक मुश्त एरियर NBCC के अंदर नहीं मिला, वो अधिकारियों को भी मिला और कर्मचारियों को भी मिला। जो अभी बाकी थोड़ा बहुत बैलेंस बाकी है वो आशा है हमें मैनेजमेंट के द्वारा प्रबंधन के द्वारा मई की तनख्वाह में लग जाएगा। टुडे वी आर उसमें क्या पोस्ट माय पोस्ट इज वाइस प्रेसिडेंट। एक्चुअली आफ्टर 3 इयर्स वी आर मेकिंग ए कॉन्फ्रेंस विथ ऑल द वर्कर्स दोज हु आर आउटसाइड द दिल्ली दे आर ऑल्सो कमिंग दिस कॉन्फ्रेंस एंड इन द कॉन्फ्रेंस इट इज आवर मोटो दैट लास्ट 4 इयर्स व्हाट वी हैव डन दैट विल कन्वे टू आवर वर्कर्स थ्रू जनरल सेक्रेटरी एंड आवर ट्रेजरर ऑल्सो ही विल गिव ऑल द ट्रांजेक्शन व्हाट ही हैज ड्रॉन फ्रॉम वर्कर्स और एनीवेयर एल्स दैट विल बी हाउ मच ही हैज एक्सपेंड दैट अमाउंट हाउ मच आवर कैश इन हैंड हाउ मच इन द बैंक दैट ही विल कन्वे द मैसेज that is the main motto and our new committee will be formed in this conference and all the workers they will support whether that person that fellow was suppose XYZ whatever it may be whether it is he is accepted or not
अभी इसमें अभी आपने सरकार से कोई डिमांड करनी थी इस जो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपने सरकार से कोई डिमांड की है? नो, आई एम नॉट डिमांड विद द गवर्नमेंट. आवर मोटो इज एक्चुअली मैनेजमेंट. यस, आवर मैनेजमेंट इज यू नो दे आर 3-4 टाइम्स वी हैव मीट देम. देन वी गॉट आवर व्हाट यू कॉल पे फिक्सेशन. Previously, they were not agreed to pass. They says that no, we'll give you 7.5. Then they says that 15%, but we are stand on the 35%, which officers has got already. Then they have agreed. अभी आप मैनेजमेंट से कुछ इस कॉन्फ्रेंस के बाद में मैनेजमेंट से कुछ डिमांड करेंगे या आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? That I will think after the completion that program.